अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या इलेक्ट्रिकल सर्विसेज़। तो सर, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो एक टू वे स्विच के ऊपर है। टू वे स्विच किस तरह से काम करता है, तो आज की वीडियो में हम टू वे स्विच की इंटरनल वायरिंग को समझेंगे। ये इसका वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है, ये देखें, ये कुछ इस तरह का होता है टू वे स्विच, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसको मुकम्मल डिटेल से जानेंगे कि इसकी इंटरनल वायरिंग और इसकी एक्सटर्नल वायरिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम के जरिए भी स्टडी करेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिकली हम ये दो इंडिकेशन लाइट्स जो हैं वो चला के देखेंगे कि किस तरह से काम करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो आम स्विच होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, और ये जो है उन्हें सिंगल वे स्विच कहा जाता है। तो ये जो स्विच है ये टू वे स्विच है। सिंगल वे का मतलब, जैसे कि आप इसके नाम से ही है कि सिंगल वे की करंट गुजारने का एक ही रास्ता होता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ ऑन होता है और ऑफ होता है और किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ कर लेता है। तो ये जो है, ये इसके नाम से जाहिर है कि ये टू वे स्विच है, तो इसमें से करंट गुजरने के रास्ते जो होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। और इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि एक के पीछे, सिंगल वे स्विच के पीछे टू पॉइंट्स होते हैं और इसके पीछे जो है वो तीन टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में। ये कोई भी दो लोड्स को एक टाइम पर इनकी स्विचिंग करा सकता है। एक को बंद रखेगा, एक को ऑन रखेगा, दूसरे को बंद कर दिया, पहले को ऑन कर दिया, पहले को ऑन कर दिया, दूसरे को बंद कर दिया। तो इस तरह से इसकी कुछ वायरिंग होती है। ये देखें आप, इसकी ये जो फिनोमेना है वो ये है कि ये ऊपर की तरफ हमने इसको किया हुआ है, तो ये एक लोड चला रहा है, ये बंद नहीं है, ये ऑफ नहीं होता। ऊपर की तरफ एक लोड चलाता है, नीचे की तरफ दूसरा लोड चला देता है, ऊपर वाले को पहले वाले को बंद कर देता है। ऊपर किया, वापस से ये पिछले वाले को नीचे वाले को बंद कर देगा, ऊपर वाले को चला देगा। तो ये इसका वर्किंग फिनोमेना है, ये बंद नहीं होता। जबकि आम बटन जो है वो शक्ल उसकी इस तरह की होती है, पोजिशनिंग भी उसकी इस तरह से होती है, ऊपर और नीचे। वो क्या कहता है, वो यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर ऑन है, यानी कि उसका वर्क, उसकी जो करंट गुजरने का रास्ता है वो एक ही है। इसके जबकि दो रास्ते होते हैं। तो चलिए इसकी हम डायग्राम को समझते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बिना अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसकी एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो जनाब, वीडियो में बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल आर्या इलेक्ट्रिकल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आप तक वक्त पर पहुँच रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, ये देखिए, यहाँ पे मैंने तीन पॉइंट्स बनाए, जैसे कि ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। सेंटर वाले को मैंने कहा है कॉमन, और सेंटर वाला जो है वो ऊपर वाले पॉइंट के साथ क्लोज है, जबकि नीचे वाले पॉइंट के साथ ओपन है। तो ये देखें, जैसा कि ये बटन है, इसके भी तीन पॉइंट्स हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जो सेंटर वाला, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है ये क्लोज है, नीचे वाला है ये ओपन है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर दो लाइट्स लगा के देख लेते हैं। तो जनाब, अब आप देखें, ये मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने जो लाइन और न्यूट्रल है, 220 वोल्ट हमारी सप्लाई है, एसी सप्लाई, लाइन को मैं लेके गया हूँ सेंटर वाले पॉइंट पे, जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इसको हमने सेंटर वाले पॉइंट पे ही देना है, ठीक है। और ये जो क्लोज पॉइंट है ऊपर वाला, इससे मैंने एक लैम्प को वायर दी है, और ये जो ओपन पॉइंट है इससे भी मैंने दूसरे लैम्प को वायर दे दी है, ठीक है, जिसको हम हाफ वायर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही पोजिशन इसकी ऊपर की तरफ है, जैसे कि अब इसकी पोजिशन ऊपर की तरफ है इस तरह से, तो ये क्या होगा, ये ऊपर वाले बल्ब को चला देगी, जो ऊपर वाले पॉइंट से करंट निकले या वो इस बल्ब को चला देगी। और जैसे ही मैं इसकी पोजीशन नीचे करूँगा, तो ये जो करंट है वो यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी और इस वाले लैंप को चला देगी, ठीक है। और इसकी न्यूट्रल देखे, मैंने कॉमन करके इसे न्यूट्रल दे दी है। तो ये बेसिकली इसकी डायग्राम होती है। इससे हम कोई भी दो लोड्स, पंखे, दो लाइटें, कोई भी किसी भी दो लोड्स को, जो कि 220 वोल्ट पर चलते हों या डीसी 12 वोल्ट पे, 24 वोल्ट पे चलते हों, उन्हें हम चला सकते हैं। तो चलिए हम इसको, इसी वायरिंग को हम प्रैक्टिकली डेमो करके भी देख लेते हैं। तो जनाब, फाइनली हमारे वायरिंग वाला सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं इसकी वायरिंग दिखाता चलूँ, तो ये आप देखें, इसका जो एम सी वी है इस वक्त ऑफ है, इसको लाइव सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट फेस और न्यूट्रल आ रही है। और यहाँ इसके आउटपुट देखें, तो आप ये देखें, ये न्यूट्रल वायर है, ब्लैक वायर है, ये LED नंबर वन को मिलती है, उसके बाद यहाँ से लूप होकर LED नंबर टू को मिल जाती है, और यहीं पे इसका रास्ता होता है ख़त्म। और आगे जो हमारी फेज़ वायर है वो ये देखें, ये इस फेज़ वायर जो न्यू जा रही है नीचे से, ये देखें, ये हमारे कॉमन पॉइंट पे जा रही है, और यहाँ से जो ओपन पॉइंट है इससे हमने वायर लेके हमने हमारी एक इंडिकेशन को चला दिया है। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ओपन पॉइंट, क्लोज पॉइंट जो है, उससे हमने वायर लेके इस पॉइंट को दे दी है, ठीक है। तो इस तरह हमारा सर्किट होता है कंप्लीट। तो हम चलिए इसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लेते हैं। ये इस वक्त पोजीशन नंबर वन पे है, तो ये मैंने ब्रेकर जैसे ही ऑन किया है, देखिए हमारी ये रेड लाइट जो है वो आप देख सकते हैं चल चुकी है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको, स्विचिंग जो है, इसकी पोजीशन मैं चेंज करता हूँ,
ये देखें, रेड लाइट बंद हो चुकी है, ग्रीन चल चुकी है, वापस इस तरह वो देखें रेड लाइट चल चुकी है, नीचे करता हूँ तो रेड लाइट चल जाती है। तो जनाब ये थी आज की एक सादा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा टू वे स्विच के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। मिलते हैं इस तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।